हेलो फ्रेंड, डिबेट विद शायला में आप सबका वेलकम है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान समेत साउथ एशिया में जो विमेन्स है इस ज्यादतियों का शिकार है। इस टॉपिक में हमारा साथ देने के लिए आज जो गेस्ट मौजूद है माली सरकारी जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं और आप सबकी फेवरेट भी हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू माई शो। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शायला। थैंक यू मैम। मैम, आज जो आपने मेरा टॉपिक सुना, हम स्पेशली विमेंस पे ये शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और सवालात का आगाज मैं एक रिपोर्ट से करना चाहूंगी। 2019 विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है 164 आउट ऑफ 167 कंट्रीज डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? Well, it is a huge problem in Pakistan. या आप अपना जो हमारा साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया की जो कॉन्टिनेंट को ही उठा लो, वहां पर औरतों के इतने हकूक है नहीं। औरतों को हमेशा से पीछे रखा गया है। और यानी जैसे कि पेट्रियार्की चलती आई थी, दूसरे मुल्कों ने तो थोड़ी बहुत यू नो वुमेन एम्पावरमेंट कर ली है, मगर हम लोग जो है अभी बहुत पीछे हैं अभी उस एरिया में रहते हुए, स्पेशली पाकिस्तान। अगर आप गांव देहातों में चले जाओ तो वहां पर औरतों के कोई हकूक नहीं, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और अगर आप नहीं सुनते हैं तो द मैन देयर थिंक कि अगर आपकी बीवी आपसे नहीं सुन रही है तो उसको मार कूट के जो भी आप उसको सुनवाओगे, जबरदस्ती जो है एक चीज है। सो या नो, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस ही बहुत है। और सिर्फ औरतों पे, यानी ये नहीं कि आप अपनी बीवियों पे ही कर रहे होते हैं, बेटियों पे भी हो रहा होता है। बाप भी पीटते हैं अपनी बेटियों को, या भाई होंगे तो वो भी पीटेंगे अपनी बहनों को अगर कोई गलती हो जाए, या तुम बाहर क्यों चली गई, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं सही से लिया हुआ, इस लड़के से क्यों बात कर रही थी, यू नो लाइक जस्ट लिटिल थिंग्स। तो दैट इज वेरी एंड फिर आप बच्चों पे भी आ सकते हो इस चीज से कि बच्चों पे भी जिस तरीके से बुरे तरीके से बच्चों को भी पीटा जाता है। एंड आई एम somebody that has gone through this। मेरे जो बाप थे वो तो मेरी माँ को मैंने बस हर रोज पिटते हुए ही देखते थे। तो जब वो घर आते थे ना, वी कुड हियर हिज कार, गाड़ी का सायरन, वो गेट खोलने के लिए वो बजाते थे ना, तो हमको पता चल जाता, तो आ गए तो सब प्रिटेंड करते थे हम सो गए, क्योंकि हमें पता था आएंगे आते साथ ही माँ को पीटना है। और फिर जब मैं बड़ी होनी शुरू हो गई थी तो फिर हमको पीटते थे, मुझे और मेरी बहन को। सो इट्स अ ह्यूज इशू दैट वी नीड टू रियली, अब जो है ना इसको, इस पे बात करनी चाहिए खुल के। तो मुझे तो ये लगता है कि ये ज़्यादातर वजह अरेंज मैरिजेस बनती हैं, मेंटल मैच नहीं होता, आपको अपने पार्टनर की ख्वाहिशात का पता नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से शायद हमारे ये जो स्पेशली पाकिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ना मारा पीटा जाता है, वजह तो अरेंज मैरिज मुझे लगती है। आई डोंट थिंक अरेंज मैरिज का वो है। आई नो सम पीपल इन माई फैमिली जिनकी अरेंज मैरिजेस हुई और उन्होंने कभी अपनी औरत को हाथ नहीं लगाया, फूलों की तरह रखते हैं, राइट? सो लेट मी गेट दैट स्ट्रेट कि मैं ये नहीं कह रही कि हर पाकिस्तानी मर्द जो है वो अपनी औरत को पीट रहा है, मगर ये जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना कि हम मर्द हैं, औरत के ऊपर मर्दानगी नहीं दिखाती। यानी अगर आप इनको दोस्तों में ही बात करते हुए सुनोगे ना, तो अगर आप वो कह देगा कि हाय मैं अपनी बीवी की बात सुनता हूँ, तुम मर्द नहीं हो क्या, ये मर्द होने की जो चीज है ना, और वो कैसे दिखाएंगे आप, औरत के ऊपर जबरदस्ती करते हुए दिखाते हैं। तो आप जब अगर, आई डोंट मीन टू से इसमें मैं रिलीजन नहीं लेकर आना चाह रही हूँ, मगर जो हमारे लीडर्स हैं या आपके जो बड़े होंगे वो आपसे यही कहते थे पहले, तो तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम एक बंदी को नहीं कंट्रोल कर सकते, एक चमाट मार के देखो, यू नो, तो खुद ही सीधी हो जाएगी। ऐसी बातें करते हैं तो वो बचपन से बच्चा सुनता है, बड़ा होता है और फिर देखता भी है। वो लड़का जो अपने बाप को पीटते हुए देख रहा है अपनी माँ को, वो क्या सीखेगा? सो इट्स लाइक अ जनरेशनल थिंग जो चलती चली आ रही है। You know, यहाँ पे ये है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कहती यहाँ फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, यहाँ भी होता है, बट यहाँ पर ये है कि औरतों को ज्यादा हकूक हैं और आप उनको चार्ज कर सकते हो, उनको ले जाकर आप जो है खड़ा कर सकते हो कि भाई इसने मुझ पे हाथ कैसे उठाया। यू कैंट टच एनीबडी, यू नो, चाहे वो किसी भी तरीके का टच हो, यू कैंट हर्ट एनीवन, वो फिजिकल वायलेंस में आ जाता है। और आप किसी को वैसे हाथ नहीं लगा सकते हो, वो हरासमेंट के अंदर आ सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सी टाइप्स भी हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि फिजिकल अब्यूज़ हो गया, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़। ये चार टाइप्स में से आपको क्या लगता है कि वुमेन सबसे ज्यादा कौन सी वायलेंस का शिकार है? आई डोंट नो कि मैं इसमें कोई वो डाल सकती हूँ। देखिए, फिजिकल, आई थिंक फिजिकल वायलेंस इज ऑल्सो इमोशनल, इट्स कनेक्टेड टू योर इमोशनल एंड साइकोसिस।
क्योंकि जब आप किसी को पीटते हो तो आप सिर्फ वो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, यू लाइक काइंड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी. मुझे एक इंसान होने के नाते मुझको आप मार मार के मेरे जो अपना कॉन्फिडेंट लेवल है या मेरा जो भी थी मेरी पर्सनैलिटी उसको तोड़ देते हो आप. सो यू आर मेंटली ऑल्सो ब्रोकन, क्योंकि आप पिट के आपका दिमाग फिर वैसा रहता नहीं है. सो आई थिंक कि दे आर ऑल काइंड ऑफ लाइक इंटरकनेक्टेड. फाइनेंशियली का ये है कि वो तो हमेशा से मर्द कमा के लाया है, तो मर्द ने हमेशा कंट्रोल रखा है. सम प्लेसेस मैंने देखा है कि घर में औरतें चलाती हैं, मगर फिर भी पैसा उनको मर्द ही ला के देता है वो, और वही कंट्रोल करते हैं, राइट? सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. मगर फिजिकल अब्यूज एंड मेंटल लाइक जो वर्ड्स का होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड. क्या आपको अगर कोई रोजाना आपके साथ लड़ रहा है और अगर आपको ये बोला जा रहा है कि तुम अच्छी औरत नहीं हो, तुम ऐसी हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तो वो भी आपको मेंटली बहुत वो करता है. बट आई थिंक द वर्स्ट काइंड इज द फिजिकल, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑल दीस थ्री अदर काइंड ऑफ अब्यूसेस. और यहाँ पर जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, तो स्पेशली अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान 9 जो कंट्रीज हैं उनमें से नंबर 1 पे है, वर्स्ट है सबसे ज्यादा अपनी ख्वातीन को मारने पीटने में. और उसकी बड़ी वजह यही है, एक तो हमारा रिलीजन फैक्टर भी है, फिर लो एम्पावरमेंट भी है, लो एजुकेशन भी है. इसके साथ साथ जो ख्वातीन को ज्यादा डराया जा रहा है, आजकल एसिड अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फोर्स मैरिजेस हो रही हैं. तो दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि हमने तो बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है खवातीन के लिए, तो जो रिपोर्ट्स बन रही हैं फिर वो झूठी बन रही हैं, या जो ये मीडिया पे प्रिटेंड करते हैं उसमें दूर दूर तक सच नहीं छुपा. क्योंकि आप बाहर बैठी हैं, आप बाहर की दुनिया को देख रही हैं, पाकिस्तान से भी आपका कनेक्शन रहा है, तो वजह क्या है, क्यों एक ये फोरम पे आके इस पे बात क्यों नहीं करे? स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन रिपोर्ट से डिनाई करते हैं, वो कहते हैं फेक है, हम नहीं मानते. देखिए इसका फिर वही मैं बोलूंगी, और लाइक आई नो कि ये एक ऐसी चीज है जो इन सबको कनेक्ट करती है, और वो आपकी फिर आ जाती है सॉरी टू से मगर रिलीजन पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है. क्योंकि जब आपकी उसमें ही आपको राइट थी, अब और बोलते कौन है, ज्यादातर आपको मर्द बोलते हुए दिखेंगे पाकिस्तान में कि भाई सारे राइट समझ में, तुम लोगों को और क्या आजादी चाहिए, क्या ये मुझसे कह रहे तुमको और क्या आजादी चाहिए? आजादी कौन सी आजादी? क्योंकि मर्दों के लिए तो कोई कंट्रोल नहीं है ना. मर्द बड़े मजे से बाहर घूम सकता है, रात के 12 बजे भी घूम सकता है, उसको किसी ने थोड़ी कुछ करना है, राइट? तो उनको लगता है कि नहीं हमें ऐसी आजादी है तो इनको भी ऐसी होगी, और क्या चाहिए इनको, तुम लोगों को. और सबसे पहली चीज वो कहते हैं बस तुम लोगों को कपड़े उतार के बाहर आ जाने. यानी एक माइंड सेट लोगों का जो बना हुआ है कि हम औरतों को सिर्फ एक ही तरह की आजादी चाहिए. आई मीन हम इंसान हैं, हमको अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने की जो है वो इजाजत होनी चाहिए. वी शुड बी एबल टू पिक आवर ओन पार्टनर. अगर हमने शादी किसी से करनी है नहीं करनी है, अगर हम किसी तरह की जॉब करना चाहते हैं तो वो हमें आजादी होनी चाहिए उस चीज की. नहीं ये समझते हैं इन्होंने सब कुछ दिया. फिर देन वी हैव ऑल्सो लॉट ऑफ ब्रेन वॉश्ड वुमेन जो समझती हैं कि नहीं हम मर्द की सुनेंगे, चार दीवारी में ही हमारी बेहतरी है. एंड देन अगेन जो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जब भी आप ये करोगे तो फॉरन रिलीजन बीच में आ जाता है कि भाई हमारा रिलीजन इसकी इजाजत नहीं देता है. तो आपका रिलीजन वाकई में बहुत सारी चीजों की और बहुत सारी आजादियों की इजाजत नहीं देता है. आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, राइट? तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल था, पास होने वाला था, तो उसमें मौलानाओं ने कहा कि नहीं आप ये जो हिस्सा है ना जहां पे लिखा है कि औरत पे हाथ नहीं उठाओ, औरत को नहीं मारो, ये निकाल दो फिर पास कर दो. तो फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज का मतलब ही वही है व्हेन यू आर हिटिंग समबडी. क्यों? क्योंकि ये उनके शरीयत के और आपकी रिलीजन के अगेंस्ट जाता है. तो यू आर एक्चुअली Religion is allowing, it says कि आप अपनी बीवी पे हाथ उठा सकते हैं. और बहुत सारे लोग इसको घुमाएंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे, but we can see why we have a problem here. There is a physical violence, abuse, domestic abuse, और उसके बाद sexual harassment का भी बहुत बड़ा जो है part पड़ता है. आपने सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, तो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड अभी तक कोई कानून क्लियरली पाकिस्तान में बना नहीं है. जो कानून इसको डिफाइन करता है वो कह रहा है कि इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, लेकिन मोडेस्टी की जो डेफिनेशन है अभी तक क्लियर नहीं हुई वर्किंग एरिया पर. और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अगर 100 वुमेन जॉब पे जा रही हैं उसमें से 70-80% सेक्सुअली हरास हो चुकी होती हैं. ये हमारे जॉब सेक्टर्स का हाल है, लेकिन कानून आज तक इस पे बना ही नहीं है कि कौन से जुर्म की क्या सजा है. और जो आजकल जो हो रही है वो ये है कि आप फाइन पे करें और 1 साल की सिर्फ कैद है आपको. तो मेरे ख्याल है ये तो बहुत छोटी सी चीज है, कैश तो कोई भी पे करके निकल जाएगा.
देखिए, आपको एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए, पड़ती है एक्चुअली, जहां पर आप आराम से बाहर निकल सके। मैं चाहे 1 बजे सुबह के बाहर निकलूं, मैं मुझे याद है जब मैं जॉब करती थी इन माई 20s, तो घर आती थी। मैं जब पहले स्टार्ट किया था, नहीं एक्चुअली आई वॉज इन हाई स्कूल, जो मेरी पहली जॉब थी बर्गर किंग पे थी, और मैं वीकेंड्स में लेट नाइट नाइट की शॉप जॉब करती थी। 4 बजे खुला होता था वो, 4 o'clock इन द मॉर्निंग मैं अकेले निकलती थी वहां से, सबवे और स्ट्रीट कार पकड़ के अपने घर आती थी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ के ऐसा नहीं है कि यहाँ केसेस नहीं होते, मगर यहाँ पे सेफर है। मैं जब पाकिस्तान गई हूँ, मैं बाहर अकेले नहीं निकली। पाकिस्तान में आप लोग अपनी माओ बहनों, घर में जितने भी मर्द अगर हजरात जो देख रहे होंगे, सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिएगा कि जब आप बस में चढ़ती हैं, जब आप बाजार में जाती हैं, तो कितने हाथ आपको टच करते हैं, कितने लोग आपको टच करते हैं। और अगर आप ये बात पूछोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 97% औरतें तो कहेंगी कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनकी लाइफ में उनको हाथ जरूर लगाया गया होगा। यू नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ। मैं गलती से आतिफ असलम आ रहा था पाकिस्तान में, गलती से मैंने कहा मैं टिकट लेके पहुंच गई वहां पर। अब मैं पहली दफा वापस गई हूँ आफ्टर लाइक 14 ईयर्स। सो अब वहां रश लगा हुआ है दरवाजे पे ना, तो मैंने कहा यहाँ से टिकट वाले होंगे सारे वहां पे खड़े, तो मैं उसमें घुस गई। जैसे वो नहीं आपने देखा था 14 अगस्त पे वो लड़की के साथ जो, तो मैं जी पागल, मैं अपने नेफ्यू के साथ थी, अपने कजन, सॉरी कजन के साथ, उसके साथ मैं बीच में कर कर आके ना बिल्कुल आगे पहुंच गई गेट पे। मैंने कहा मेरे पास टिकट है, मुझे अंदर आने दो। पीछे से मुझे 10 हाथ लग रहे थे, हालांकि माई कजन वॉज बिहाइंड मी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, और क्या कह रहे थे, ओ लेडीज आई है, बहन को अंदर जाने दो, बहन को अंदर जाने दो। सारे हाथ मुझ पे लग रहे थे एंड आई वाज शेकिंग अप। तो वहां जो दूसरी साइड पे बंदा था जो सिक्योरिटी वाला था, उसने मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींचने की कोशिश की, राइट, बिकॉज़ आई वाज लिटरली गेटिंग ग्रोप्ड। और जब उसने मुझे खींचा इस तरीके से, तो दे पुश्ड द डोर ओपन, आई वेंट ऑन द ग्राउंड, मेरा फोन उधर गया है एंड आई वाज शेकिंग अप। मैं, यानी आप सोचो, मैं कनाडा से गई हूँ वहां पर और मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ, तो मैं वहां ठहरी नहीं फिर, क्योंकि मैंने कहा यहाँ कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ होगा किसी लड़कियों के साथ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बाद में पता चला कि कितनी लड़कियों को हरास किया गया वहां पर, हाथ लगाया गया, कपड़े तक फाड़ देते हैं यार, कपड़े तक फाड़ देते हो आप, पूरी शलवार कमीज में औरत होती है। सो दिस इज लाइक, आई डोंट इवन नो कि ये किस पे आप ब्लेम करेंगे। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है इनके अंदर, इनको सिखाया नहीं जा रहा है, कोई शऊर नहीं है, और जैसे कि हमें सारी वो है, लाइक वी डोंट वॉन्ट टू बी टच्ड, यू नो, ये जो स्लोगन इनको बड़ी बुरी लगती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई मेरा जिस्म है, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी एरा वेरा आकर इस तरह से हाथ लगाए। इट इज माई विल, यू नो, माई माई बॉडी। अभी 8 मार्च को पाकिस्तान में विमेन डे मनाया गया, और यही वो दिन होता है जहां पर पाकिस्तान की खवातीन अपने मसले मसाइल लेके मीडिया के सामने निकलती है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है मीडिया इतनी कवरेज देता नहीं है, नहीं और पुलिस का काम होता है प्रोटेक्शन देना, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि उन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, और पानी के वो जो पंप से उनके ऊपर पानी, प्रेशर वाला पानी फेंका गया, और इसमें जो ट्रैफिक पुलिस थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खवातीन पे लाठी चार्ज किया, और जो मीडिया वहां पर आया हुआ था उन्होंने ये बोला कि ये जो खवातीन है ना, ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए निकली हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी से इनकी क्या मुराद है। जबकि हमने इंटरव्यू देखे हैं कि खवातीन उनको कह रही है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई शरिया के अगेंस्ट जा रहे, इसका मतलब ये है कि हमें हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं छू सकता, हम जैसे मर्जी लिबास पहने। लेकिन इतने सालों से वुमेन डे मनाया गया, आज तक मैम इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई एक बंदा भी खवातीन की जो राइट्स हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हर दफा विमेन मार्च का एक बहुत ही बुरी एंडिंग होती है यहाँ पर। दैट इज ट्रू। और मगर मैं आपसे कहूंगी कि आई ऑलवेज सी समथिंग पॉजिटिव इन इट। अब जब मैं वहां थी पाकिस्तान, 25 साल हो गए मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए, जब मेरी माँ के साथ सबकी चीजें ऐसी चीजें हो रही थी, तो ना उस वक्त इंटरनेट था ना कुछ था, तो अगर आप तब के टाइम से भी कंपेयर करो ना, तो पाकिस्तान में बेहतरी आई है। ये मैं कह नहीं सकती कि नहीं, औरतों में आजादी मुझे नहीं दिखी है। अब आप देखती हो तो औरतें गाड़ी भी ड्राइविंग कर रही होती हैं। मैं खुद जानती हूँ लड़कियों को जो बाहर निकलती थी, मीडिया में आप देख लो तो उसमें भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, मगर वो ऐसे स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, मगर करेंगे भी कैसे। जो लोग प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं उनको, आई एम सॉरी टू से, हया मार्च वाली औरतें या जो दूसरे मर्द निकल के आ जाते हैं, यू नो लाइक लिटरली जो जितने जाहिल मर्द होते हैं ना, वो सारे निकल के आ जाते हैं कि बस हमारा इस्लाम खतरे में, हमारी रिलीजन खतरे में आ जाती है फौरियत इनकी, एंड दे आर द वंस दे विल नॉट लेट यू इवन गेट अप देयर। तो जो प्रोग्रेस करने भी चाह रहे हैं ना, जो चेंज करना भी चाह रहे हैं ना, उसी को मार देते हैं, उसको भी कहते हैं कि भाई तुम क्यों आगे निकल रहे हो, तुम भी पीछे आ जाओ। सो दिस इज द होल थिंग। और
मगर आई रियली थिंक कि जो औरतें निकल रही हैं, पहले तो औरत मार्च होती ही नहीं थी, तो आई सी इज अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर दीज वुमेन टू कम आउट, क्योंकि दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. मैं, मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं इन चीजों पे जो है बाहर निकल के बात करूं. मैं औरतों के ऊपर बात करती रही हूँ, दैट्स व्हेन आई डिड मिस पाकिस्तान. तो जब मैं वापस गई हूँ मिस पाकिस्तान का पेजेंट जीत के, तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑन टीवी, औरतों के हुकूक के बारे में. बट आई वाजंट इवन दैट ओपन. मैं बाहर निकल के कभी नहीं कर सकती, मैं आई एम टू स्केर्ड. तो आई गिव प्रॉप्स टू दीज वुमेन, और मैं आप लोगों को भी हिम्मत आपकी देखती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता था ये काम पाकिस्तान में बैठ के. मैं बता रही हूँ ना, जब मैंने यही चीज हुई, जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था तो क्या था, और अभी भी मुझसे कहते हैं तुम पाकिस्तान का नाम खराब कर रही हो, तुम हमारी नस्लों को बिगाड़ रही हो. आई मीन मैं कहती हूँ जब पूरे पाकिस्तानी करप्शन मैं करवा रही हूँ, पाकिस्तान में चोरियां हो रही है मेरी वजह से, यानी कॉमन सेंस की बात है ना, बट नोबडी हैज कॉमन सेंस. और इसमें फिर वही बात आती है कि आपको जब एजुकेटेड नहीं बनाते या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, दिस इज हाउ यू गेट. देन अगेन आई थिंक कि मैंने एजुकेटेड लोगों को भी देखा है ऐसी बातें करते हुए, जैसे खलील उर रहमान को उठा लो आप, वो बंदा एजुकेटेड नहीं है, ऑफ कोर्स ही इज, मगर वो कैसी बातें करता है, उसने कितने बुरे तरीके से मारवी समर्थ के साथ बिहेव किया था इन 2019. लाइक आई जस्ट लॉस्ट इट. तो आई डोंट नो वेयर वी आर गोना गो विद दिस सोसाइटी. अब एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ 12.2 मिलियन जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, और अगर हम अपना लिटरेसी रेट चेक करें खवातीन के मामले तो 48% आ रहा है, और जबकि भारत की बात करें तो वो 65% पे है. जबकि देखें तो वो मुल्क भी बहुत बड़ा है, 145 करोड़ की आवाम है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि आप लोग शुक्र करो कि आप पाकिस्तान में हो, भारत में नहीं. अगर आप भारत में होते तो जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो भी ना मिलता. तो हम तो उनके कंटेंट पे काम भी करते हैं, देखते भी हैं, हमें वो चीज़ समझ नहीं आती. लेकिन हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि जो हम राइट्स दे रहे हैं ना वो कहीं पे भी नहीं है पाकिस्तान में. ये शुक्र करें कि इनको इतना मिल रहा है, बाकी की कंट्रीज में तो ये भी नहीं है. देखिए मैं ये नहीं कहती कि बाकी मुल्कों में ये होता नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस जो है पूरी दुनिया में होता है, राइट. वो अलग बात है कि पूरी दुनिया में उस पर डिफरेंट डिफरेंट कानून बनाए हुए हैं, और उस पर औरतों को जो है फिर इंसाफ मिलता भी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया में कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, थोड़ी बहुत बैकवर्ड थिंकिंग वहां भी है अभी भी, राइट. वहां भी बहुत सारी पॉपुलेशन है व्हिच इज अनएजुकेटेड. मगर क्या आप बॉलीवुड उठा के देख लो, टीवी उठा के देख लो, आपको लगता है अगर आप दिल्ली या मुंबई इन जगहों पे चले जाओ, गोवा चले जाओ, वहां पर आपको क्या दिखता है? यू कैन सी इट ना, वेमेन आर आउट देयर, दे कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट, दे हैव बॉयफ्रेंड्स, दे कैन बी ट्रैवलिंग विद देम, उनको वो आजादी है वहां पर. एक औरत जो है बॉम्बे में अकेले रह सकती है. अब ये नहीं मैं कह रही पाकिस्तान में बड़े शहरों में लड़कियां अकेले नहीं रहती हैं, मैंने लोगों को लिव इन भी करते हुए देखा है. होता सब कुछ है वैसे पाकिस्तान में, ये मत समझिएगा कि होता नहीं है, होता सब कुछ है, छुप छुपा के होता है सब कुछ. जो जो चीजें मैंने वहां देखी, मैं भी शॉक हो गई थी देख के, यार ये हाउ इज दिस हैपनिंग. तो मगर होता सब कुछ है, सब छुप छुप के होता है. और जो लोग जितना आई एम सॉरी टू से मीडिया पे पवित्र और वो क्या कहते हैं सती सावित्री बनते हैं, बनती हैं या बनते हैं, वो उतने ही पीछे उतने करप्ट होते हैं. ये मैं अपनी आंखों से देखा है, मैंने चंद ऐसे ऐसी चीजें सुनी अपने कानों से कि आई वाज जस्ट शॉक्ड टू हियर इट वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान. मगर कहने को जो है हम बड़े पाक हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं. सो एक आपने जो सेक्सुअल अब्यूज की आप एक बात कर रही थी, तो उसमें अभी मैंने एक वीडियो देखा था, आई विल ट्राई टू फाइंड इट, मगर उसमें पाकिस्तान की आई थिंक कोई मिनिस्टर है या हेल्थ डिपार्टमेंट की बंदी थी, तो उसने कहा कि जो चिल्ड्रन पे जो अब्यूज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस और बच्चों के ऊपर है, या अपनी बेटियों के साथ ये जो जिनसी ताल्लुक रखने वाले होते हैं, यानी बाप हो गया, भाई हो गया, या मामा हो गए, चाचा हो गए, तो वो ज्यादातर जो आपके घरों के अंदर हो रहा है इस वक्त, चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीजें, तो दैट इज हैपनिंग विद इन द हाउस होल्ड. देन फिर जब वो लड़कियां प्रेगनेंट हो जाती हैं, तो फिर को उनको लेके जाया जाता है और इलीगल अबॉर्शन करवाए जाते हैं, राइट. जिसके अंदर बहुत सारी औरतें मर भी जाती हैं. सो ये एक ही वो चीज नहीं है, और आप इस वजह से करते हो क्योंकि चाचा पे मामा पे भरोसा कर लेते हैं. इवन टू अ पॉइंट जहां पे बाप पकड़े गए हैं अपनी बेटियों को जो है 20-20 साल या 15-15 साल से अब्यूज कर रहे हैं फिजिकली एंड सेक्सुअली. सो इट इज जस्ट बियॉन्ड माई पॉइंट. और उसके पीछे क्या चीज है, हमें तो नहीं सिखाया था कि भाई गुड टच क्या है, बैड टच क्या है. आई वॉज सेक्सुअली मोलेस्टेड, मुझे खुद आई हैव एक्सपीरियंस है. क्यों हम, मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है. पहले ये बताना पड़ेगा ना कि आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर चाचा जी कह रहे हैं आके मेरी गोद में बैठो और तुम्हें नहीं बैठना है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए.
अगर आपको किसी को हग नहीं देनी है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा कह रहा है मुझे इसके साथ नहीं जाना और वो शो कर रहा है, बता नहीं सक रहा, डोंट सेंड देम विद देम। सो हमें वो तो बता ही नहीं जाती ना, शर्म है भाई, शर्म, शर्म के उसमें कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं शर्म के पीछे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में रोज जो है 6 से 7 जो खवातीन है वो सेक्सुअली हरास होती हैं, और ये जो पुलिस रिपोर्ट है वो कहती हैं कि 6 साल में 23,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि अगर उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 0.03% केसेस ही बस रिकॉर्ड हुए, बाकी सब केसेस को घर के अंदर दबा दिया जाता है। तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है कि एक तो आप उनका सारा फ्यूचर बर्बाद कर देते हो, उनको एक ऐसे लाइफ के ऐसे फेज में फेंक देते हो जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ सकती, और साथ साथ जो उनकी सपोर्ट है वो भी घर वाले खुद ही खत्म कर देते हैं, और उसके बाद ये कहेंगे कि जो हमारा मुआशरा है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन मुआशरा तो हम लोगों से ही बनता है, चेंज तो फिर सबसे मेरे नजदीक तो लड़कियां सबसे ज्यादा इनसिक्योर अपने घर में ही हैं। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है, आपके घर में भी सेफ नहीं है, और इसका बहुत बड़ा जो है जिम्मेदार मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने लॉज ऐसे बनाए बनाए ही नहीं, कोई लॉ, कोई लॉ ही नहीं है कि भाई कोई हाथ लगाएगा किसी के साथ कुछ करेगा। अभी आपने खुद ही कहा ना कि अभी जो केसेस है ना, मुझे तो लगता है उसका 0.1% रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ही नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर शर्म, अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाती है तो भाई उस लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, बंदे हो तो छोड़ो ना, वो इसी उसमें क्या है, शर्म के मारे किसी को पता चल गया हमारी बेटी की इज्जत लुट, इज्जत लुट गई है। आई मीन ये इज्जत जो है, आई एम सॉरी टू से, ये हमारे एक कोई शर्मगाह के बीच में क्यों हमारी इज्जत, हमारे ऊपर सब कुछ इज्जत डाल दी है, हमारे कंधों पे पूरे मोहल्ले की इज्जत होती है। आपने देखा है कि हमारे मोहल्ले को बदनाम कर दिया इस औरत ने, हमारे शहर को बदनाम कर दिया, लाइक वाई ये इज्जत हमारे ऊपर ही क्यों डाली हुई है। सो दिस होल इशू दैट इज विद सेक्सुअल वायलेंस, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। इसमें पहली बात तो कोई रिपोर्ट नहीं करता है, दूसरी बात आप इज्जत के ऊपर उस पर आ जाते हो, तीसरी बात अगर आप रिपोर्ट करते भी हो तो पुलिस वाले कौन सा आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वहां पे भी जो जा रहे होते हैं पुलिस वाले कौन सा आपको अच्छे तरीके से आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के, और अगर वो दूसरा बंदा अमीर हुआ तो आप छोड़ ही दो ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो कुछ भी करेगा वो करके फारे वहां से निकल जाएगा। सो देयर इज नो जस्टिस सिस्टम। तो बहुत सारी औरतें यही कहती है कि यार क्या करा जाए, वी शुड जस्ट लीव इट, इससे बेहतर ये कि चुप हो जाओ, और फिर माँ बाप यही करते हैं, अगर इस तरह पता चल जाता है चुप हो जाओ, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, एंड दैट्स हाउ वी हैव मेड दिस सोसाइटी नाउ। अब पाकिस्तान की जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, आजकल ट्रेंड यही है कि मोस्टली फैमिली जो है स्पेशली जो लड़कियों वाले हैं, या तो वो अस्करी के अंदर रह रहे हैं कि आर्मी की निगरानी में हमारी बच्चियां रहे, या फिर वो क्या करते हैं वीजा लगवा के बाहर जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका हैरेसमेंट के डर की वजह से अपने बच्चों की सिक्योरिटी की वजह से बाहर जाता रहा तो मुल्क को हम आगे कैसे लेके जाएंगे। वेल अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि मुल्क आगे जा भी कहाँ रहा है, अगर आप सिर्फ औरतों का ही वो छोड़ करो, दूसरी तरफ आप इकोनॉमी है दूसरी तरफ देखो तो इट्स डूम्ड इन एवरी प्लेस, यू नो। वो तो ये अच्छा है कि हमारे पास चंद ऐसी औरतें हैं जो पुश बैक कर रही होती हैं, एंड आई एम वेरी अपसेट कि मैं बहुत सारी औरतों को देखती हूँ जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, जो अच्छी पोजिशन में बैठी हैं, एंड दे डोंट डू एनीथिंग ईदर। वो भी वही अपनी गद्दी संभालने के लिए वही भी वही एजेंडा वही चीज बोल रही होती है जो उनके फायदे में है, राइट? अब जैसे कि आपने कहा कि इट्स अ मिडिल क्लास फैमिलीज, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आई एम नॉट टू श्योर कि आप कहाँ रहती हो, मगर मैं कराची की बात करती हूँ कि कराची में अगर आप डिफेंस में या क्लिफ्टन में रह रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट है, वहां पर सिक्योरिटी भी थोड़ी सी ज्यादा है, यू नो वहां पर इतनी चोरी चोरियां होती हैं, मगर आई फेल्ट मच सेफर। तो वहां पे आप ये देखो ना करप्शन और क्या क्या चीजें वहां चलती है। मैं गई वेस्टर्न यूनियन पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, वेस्टर्न यूनियन वालों ने लड़कों को इन्फॉर्म किया कि पैसे एक्सचेंज करके निकली है अभी बंदी, वहां से पीछे पड़ गए हमारे लड़के आकर, मगर मैं भी साड़ी थी, मैंने भी पर्स में कुछ ही रखा था, मैंने उसको थैली में छुपा के रखा था, पर्स लेके भाग गया वो, तो कुछ एवरीथिंग आई यूज टू कीप, मेरी माँ ने पहले ही मुझे बता दिया था जब मैं गई थी कि पर्स में कुछ नहीं रखना मगर पर्स लेके घूमना, ताकि कोई आए तो उसको पर्स दे दो बाकी सारी चीजें छुपी रहे। बट कहां पे था, राउंड अबाउट पे पापोश के सामने पुलिस खड़ी हुई थी, ऑन द अदर साइड पुलिस वाज देयर, आई वाज जस्ट लाइक ये हो क्या रहा है। तो दिस इज योर सिस्टम, आपकी कंट्री उस चीज को, औरतों को तो छोड़ो, आपकी कंट्री यहाँ पे भी हुई है। बट मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आप इलीट क्लास में है, आप आर्मी के उसमें है, आर्मी के शैलेज बने हुए हैं कराची, कोई जाके तो दिखा दे वहां अंदर, हम लोग गए थे, क्यों
कितने चेक पॉइंट में उन्होंने चेकिंग की है कि आप किस जाते हो, क्या नहीं करते हो, आप परिंदा नहीं फड़फड़ा सकता है। इस्लामाबाद अब उठा लें जरा, मैं इस्लामाबाद गई हूँ, आई वाज लाइक वहां पे लोग रेड लाइट पे भी रुक रहे हैं, यानी लॉज भी फॉलो हो रहे हैं, साफ भी है। जब आप इस्लामाबाद को ये कर सकते हो तो कराची को क्यों नहीं कर सकते हो? व्हाई कैंट यू कंट्रोल अदर प्लेसेस? ये करना नहीं चाहते ना, दे डोंट वांट टू डू इट। करने को तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान के साथ, वो करना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने वो जो एक सर्टेन अवाम है ना, उसको सॉरी टू से रिलीजन के चूरन के पीछे लगाकर उनको हमेशा बाहर आ जाते हैं वो सड़कों पर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। And और रिलीजन की जैसे आपने बात की, अब सब मर्दों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जो शलवार कमीज में लड़कियां निकलती हैं वही हरास होती हैं, आप बुरखा पहनो आप बच जाओगे। तो वो खुद को क्यों नहीं इम्प्रूव करने की कोशिश करते, हमें क्यों कहा जाता है कि आप बुरखा पहनो आप खुद को खुद बचाओ? हाँ, अब मुझे एक बात बताइए आप, एक बंदा जो गन लेके बाहर घूम रहा है और एक मैं अकेली वहां पर जो बगैर गन के घूम रही हूँ, कौन ज्यादा डेंजर है सोसाइटी को? मैं सोसाइटी के लिए डेंजर हूँ या गन वाला? राइट, तो अब आप खुद बताएं कि अगर औरतों को हम लोग बाहर निकाल दें फॉर एग्जाम्पल, राइट, बाहर निकलने की इजाजत, तो मर्दों का घर में बंद कर दें, तो हमने तो नहीं जाके एक दूसरे को हरास करना ना, प्रॉब्लम बंद करो ना, हम तो प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम आप हो। और ये शलवार कमीज, पहले तो ये, अब पहले इतने बुरके और निकाब और ये नहीं दिखते थे, मुझे भी नहीं दिखते थे जब मैं पाकिस्तान में थी। मुझे याद, मेरी नानी जो थी वो साड़ी पहनती थी, हमारे घर पे औरतें आती थी वो साड़ी पहनती थी, दे हैड लाइक यहाँ तक का थोड़ा पेट भी दिखता था उनका, ठीक है, हमेशा बटवा उनका यहाँ होता था, जब कोई आता तो बटवा यहाँ से निकलता था, पैसे निकाल के वो देती थी। आई रिमेम्बर दिस, राइट, क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान से, वो दे केम फ्रॉम इंडिया, राइट, तो इंडिया का वो कल्चर। और मेरे तो जो नाना थे वो वैसे भी ज़ोरास्ट्रियन पारसी थे, तो मैं वो सारा कुछ देख चुकी हूँ। और उस वक्त नहीं, हमारे घरों में तो औरतें दुपट्टा भी नहीं, ऐसे नहीं होता था कि कोई आ जाए तो फौरन आके दुपट्टा पहन लो या इस तरीके से, वी वर वेरी मच ओपन, यू नो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अब जो मैंने देखा है, तो बुरका भी आप पहन लेते हो तो उससे क्या, आप ये लोगों के दिमाग का चीज है कि बुरका पहन लेगी बंदी तो बड़ी शरीफ हो जाती है। मैंने बुरका पहन के, आफ्टर आई गॉट रॉब्ड, तो मैंने बुरका पहनना शुरू कर दिया था, मैंने कहा मैं अभी तो बड़ी गाड़ी में स्टाइल के साथ निकल रही हूँ तो मुझे लोग लूट रहे, फिर मैंने बुरका पहन के मैं फिर हर जगह जाती थी, रिक्शा ले गए, राइट, गरीब बन के बिल्कुल, तो मैंने कहा मुझे कौन लूटने आ रहा है। मगर बुरके में भी आपको ऐसी घूरियां पड़ रही होती है, पता नहीं इसने क्या छुपाया हुआ है पीछे। तो ये कपड़ों वाला तो आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल ही बेकार लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो कब्र में से भी औरत को निकाल के रेप कर रहे हैं। ज़ैनब जो थी 6 साल की, उसने कौन सी बिकिनी पहन के ली थी? वो शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो ये कपड़ों का तो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, बस हाँ वो ये चाह रहे हैं कि हम बस अब बुरके में बंद होके, दिस इज गोइंग बैक इन द एरा, यहाँ पर औरतों को हर चीज की आजादी मिल रही है तो वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। अरब भी अब काफी बेहतर हो गया है, खवातीन को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, और जैसे अभी समर आ गया है तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है क्योंकि वार्म एरियाज में रहते हैं। ये लगाने से भी मना किया जाता है कि आपकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस कोई स्मेल करेगा तो आपको अच्छी औरत नहीं समझेगा, क्या मतलब ये क्या माइंड सेट है, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने कभी पाकिस्तान में बस में ट्रेवल किया है? उफ, क्या स्मेल आ रही है, बंदा कहता है यार मेट्रो में किया है कि कितने अरसे से ये नहा ही नहीं है ये लोग। और आई एम सॉरी टू से, चंद लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, आई नो कि उन लोगों के पास पानी वर्षे नहीं होता। अब इमेजिन करो ये अपनी घर वालियों के पास जाते हैं वैसी स्टिंक लेकर मुंह में, यानी पूरा पान की पीप एंड इट्स लाइक ऑल येलो टीथ, और फिर वो कह रहे होते हैं कि आप जो है परफ्यूम नहीं लगाओ। शायद उनको उनको बदबू ही पसंद हो, मगर भाई साहब टेलकम पाउडर तो लगा सकते हैं ना, वो तो फ्रेग्रेंस ही है। नहीं, इट्स लाइक एवरीथिंग वो यही है कि हम जो है एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है और हम मर्दों को सिर्फ लुभा ही सकते हैं। ये पता नहीं क्यों इनके दिमाग में खुशफहमी है कि हम औरतें बाहर निकलते हैं इनको दिखाने के लिए कि आओ हमको हाथ लगाओ हम तुम्हारे लिए तो आए। ये लोग जब मैं ड्रेसिंग करके पहनती हूँ तो मैं कहती हूँ आपको क्या खुशफहमी, मैं आपके लिए बैठी हूँ वहां पर, यू नो। फिर मैं तो इनको बोलती हूँ मैं तो कभी तुम्हारी तरफ देखू ही नहीं, तुम तो खामा खाई में खुशफहमी में हो। सो You've seen some of my videos. आपको पता है ना मेरे पास क्या क्या नमूने आते हैं कहाँ से। जी मैं देखती हूँ मैम, प्रोग्राम तो हमारा काफी लंबा चला गया, पर बहुत से सवाल लिखे थे कि मैं आपसे पूछूंगी। कोई लास्ट पे कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो जो आपके लिए आज भी, जिसको आप सोचती हैं, आप कहती हैं कि अगर मैं औरत ना होती तो शायद मेरे साथ आज ना होता, कोई ऐसा आपका कोई लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो?
जो इंसान कहता है कि बस ये हो गया ना, अब मुझे इससे बुरे की कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कहूंगी कि औरत होने पे मुझे कभी मलाल हुआ हो या रिग्रेट हुई हो. नहीं, आई थिंक कि मैं औरत आई ही इसी वजह से थी. मुझे तो ये लगता है कि मेरा पर्पस जिस तरीके से मेरी लाइफ गुजरी है कि मैं एक तो मैं कि दो डिफरेंट टाइप्स फैमिलीज में, मैं पारसियों में यानी यू नो उनमें भी हुआ, हिंदुस्तान के लोग थे उसमें डिफरेंट माहौल दिखा मुझे, फिर मैं बलोचियों में थी तो वहां डिफरेंट माहौल दिखा मुझको. मैंने फिजिकल अब्यूज भी देखा औरत पे और मैंने औरत को प्यार करने वाले भी देखे और फुल आजादी वाले भी देखे दोनों टाइप पे, पाकिस्तान में. तो मेरा वो डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है. और फिर मैंने जब यहाँ आके मैं मिस पाकिस्तान जीती और आई वेंट वायरल, तो मुझे ऐसा लगा था कि आई थिंक मे बी दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ टू टॉक अबाउट दिस इशू, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू नो, कि मैं इस चीज पे बात करूं. और उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है तो आई डोंट थिंक आई रिग्रेट एनीथिंग. मगर हाँ, जो सफरिंग हमने देखी जो पाकिस्तान में हमारे साथ हुआ था, हमारी फैमिली के साथ, मेरी माँ की जो सफरिंग थी, आई विश लाइक आई कुड टेक दैट बैक अवे, क्योंकि उनकी तो लाइफ खत्म कर दी, राइट. मगर मैं कहती हूँ अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ नहीं हुए होते हैं तो मैं यहाँ बैठ के फिर आपके साथ बात नहीं कर सकती. मैं दूसरी लड़कियों को वो होप नहीं दे सकती. आई कुडन्ट हैव बिकम द वॉइस फॉर देम. तो आई अप्रिशिएट कि मैं औरत हूँ और आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू बी अ वुमन. और हमको बस अपने फाइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल. और ये चाहे कुछ भी कहते रहे, हम अपनी लड़ाई नहीं, आई वुडंट बैक डाउन, यू नो. मैम, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली खवातीन के लिए जो आज भी किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज का शिकार हैं, या फिर खामोशी से, क्योंकि मनी नहीं है खवातीन के पास, बहुत सी औरतें घरों में मार सह रही हैं कि दो वक्त की रोटी फिर कहाँ से खाएंगे। तो जो खवातीन सिर्फ रोटी के लिए घर में मार खा रही हैं या फिर अपने हक के लिए नहीं बोल रही, अगर हमारा प्रोग्राम उन तक जाता है तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे, वो अपनी लाइफ को किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं या अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं जो घर में रह के हम उनको थोड़ा एजुकेट कर आई सकें। थिंक के अगर उन लोगों के पास हमारा मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो औरतों को वाकई में कैद में रखा जाता है ना, तो उनको इंटरनेट फोन की भी इजाजत नहीं होती है. मगर अगर किसी के पास ये जा रहा है और अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल बनाना पड़ेगा. एंड आई नो इट्स इजी फॉर मी टू से, चंद मर्द होते हैं जो अपनी औरत को बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाने दे सकते, राइट. दे हैव नो चॉइस. उस अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकती हो, यानी कि एजुकेशन आप ले सके और फिर कुछ एक छोटी मोटी जॉब क्यों ना हो आपके पास, अपने पास आपका अपना थोड़ा पैसा होना चाहिए, राइट, ताकि आपको अगर कभी निकलना पड़े उस माहौल से तो यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन, आपके पास अपने पास कुछ है. और अगर आपके पास यही नहीं है, यू आर गेटिंग वेरी मच अब्यूज, तो देर आर नंबर्स इन पाकिस्तान, देर आर प्लेसेस दैट यू कैन गो टू दोज शेल्टर्स. नाउ आई डोंट हैव 100% कॉन्फिडेंट इन दोज शेल्टर्स, मगर देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर टू हेल्प यू. एंड मैं वही कह रही ना, मेरे लिए कहना बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल होता है. मगर मेरी माँ ने करा, वो हमको लेके वहां से निकली, बट शी हैड द विल टू डू इट. बट द थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आपको ब्रेव बनना पड़ेगा. आई नो समटाइम्स आपकी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो सकती है. हमारी भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी जब हम निकले थे. अगर हम पकड़े आते तो वी वुड हैव ऑल बीन किल्ड, तीनों को मार दिया, मार देना था, तो हमारे लिए बड़ा रिस्क था. बट वी टुक दैट रिस्क. या तो आप रोजाना मरो या तो आप वो एक दफा वो रिस्क लेकर आर या पार वाली सिचुएशन होती है. मगर बी स्मार्ट अबाउट इट, यू नो. और अगर आपको कुछ नहीं है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन है जो आपको हेल्प कर सकती हैं. आपके पास अगर इंटरनेट का एक्सेस है, ईमेल का एक्सेस है, ट्राई टू रीच आउट, ट्राई टू टॉक टू पीपल, यू नो. आई हैव माई इंफॉर्मेशन ऑन देयर, इफ एनीबडी एवर नीड्स टू रीच आउट टू मी, आप मुझको ईमेल लिख सकते हो, यू नो. सो ट्राई टू अप्रोच पीपल. समटाइम्स यही होता है कि सिर्फ किसी से बात करने से ही ना इंसान को तसल्ली मिल जाती है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, तो उससे भी आपको हिम्मत मिलेगी. बट यू गाइस हैव टू स्टैंड अप, हिम्मत हारने का टाइम नहीं है अब. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी डिबेट जिसमें हमने माशरे के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है. आपको हमारी आज की डिबेट कैसी लगी, अपनी राह हमारे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा. मैं माली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हम सबके लिए निकाला और आपने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए, मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जो किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है और आज हमने उसके ऊपर खुल के बात की है. दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो किसके साथ रिकॉर्ड करें, कमेंट्स में अपनी राह हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. गॉड ब्लेस यू.